गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम आप सभी को। आई होप आप लोग सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30। तो अभी जो है कि घर से जो है कि अपने मशीन पे हम आ चुके हैं और अभी साफ़ सफाई कर रहे थे, झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे। तो चलिए अंदर दिखाते हैं क्या कौन क्या क्या कर रहा है। ये रहा गेट और ये यहाँ दोनों दादाजी लोग भी सोए हैं, लोग विजय बाबा और बसंत जी उधर सोए हैं और इधर अपना कुछ ऐसा मिल मेरा। और ये मशीन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, इसका वायर कनेक्शन हो चुका है बट कि स्टार्टर वहाँ खोल के पड़ा हुआ है, क्यों से कि वो बन ही नहीं रहा है, उसमें का फॉल्ट ही नहीं पता चल रहा है। अब देखते हैं कि नया स्टार्टर लाना पड़ता है या वही चलता है। एक दिन दूसरे स्टार्टर में जोड़ के इसको स्टार्ट किए हुए थे लोग छठ वाले दिन, तो थोड़ी सी चावल इसकी काफ़ी सही आई थी। चावल की क्वालिटी देखिए आप लोग, काफ़ी सही है। बाद में इसका खुद्दी उद्दी सब मिला दिया गया था इसकी में, इसलिए आप लोगों को वैसा लगता होगा। और यहाँ से खड़ा चावल गिर रहा था, यहाँ से खुद्दी वाला छोटा सा वीडियो इसका उस दिन हम बनाए हुए थे, आप लोग देखिए। उसके बाद ये धान वान कट के अपने गिरा हुआ है, ट्रैक्टर की बैटरी खुली हुई है क्यों से कि ये गया हुआ था घर पे चार्ज होने के लिए, चार्ज होके आ चुका है, अभी ट्रैक्टर में कसना है। क्या है कि रखे रखे बैटरी लो हो जाती है, तो चलिए अभी इस बैटरी को ना हो तो फिट कर देते हैं उसमें और स्टार्ट करके देखते हैं। वैसे तो फुल चार्ज हो चुका है। हे गाइस, अभी जो है कि मशीन पर से ढेर सारा काम करके जो है कि घर पे हम लौट आए हैं और ये देखिए हमारे नवीन भैया को, वाह 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 यही करेगा। और अभी जो है कि हम जा रहे हैं साइड में कि वैसे कहीं अपने ट्रैक्टर थोड़ी गई है बाहर कहीं अलग क्षेत्र में मिट्टी गिराने के लिए, तो वहाँ साइड पे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है वहाँ पे। तो चलिए अभी चलते हैं, सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और हमारे दादी जी यहाँ बैठे हुए हैं और गौरिया अंदर खा रही है अपने खाने। देखिए गौरी कितनी बड़ी हो गई है। गाइस चलते हैं साइड पे और साइड पे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। आ चुके हैं साइड पे और अपना काम जो है कि चल रहा है। पीछे देखिए मशीन खड़ी है और उधर जो है कि लोड होके गया है मिट्टी, अभी पास पास में ही मिट्टी गिर रहा है, उधर जाके यहाँ पे गिर रहा है और यहाँ से जो है कि लोड हो रहा है, ज़्यादा दूरी नहीं है, आस पास में ही गिर रहा है। अब कुछ देर बाद जो है कि चलेंगे घर के तरफ, अभी जस्ट जस्ट यहाँ पे आए हुए थे देखने के लिए कि यहाँ का काम कैसा चल रहा है। जो है कि काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है और इधर के इलाके बहुत अजीब हैं, मतलब अजीब ये है कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी इधर बागीचे हैं और जो है कि बहुत दूर दूर तक खेत है, आप पीछे देख सकते हैं, मतलब बहुत लंबा लंबा ही खेत है, पूरा दूर दूर तक खेत है, कहीं कहीं जो है कि घर है। इस साइड देखो तो पूरा खेत ही खेत है, आप लोगों को दिखाते हैं। ये पूरा बागीचा है, इधर भी पूरा खेत खेत है, कहीं भी घर नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे यहाँ घर और खेत पता ही नहीं चलता, पास ही पास में होता है। और इधर खड़ी रही अपनी जो है कि अपनी मशीन और ट्रैक्टर, अपना मशीन और ट्रैक्टर ही बस आया है लोडिंग करने के लिए, और वो जो मिट्टी गिरा रही है ट्रैक्टर वो किसी और की है, वो भी अपने ही गांव की है बट किसी और की है, बस अपनी मशीन और ट्रैक्टर आई है लोडिंग के लिए। गाइस देखिए यहाँ पे इतना गीला है कि ट्राली जो है कि पीछे नहीं जा पा रही है। दलदल बन चुका है यहाँ पे, देख रहे हैं ये दबाते ही बैठने लग रही है गाड़ी, इतना वहां गीला है कि ये देखिएगा पहिया कैसे करेगा। देखिएगा चली गई, बस बस
गाइस अभी चल चुके हैं हम घर की तरफ। अभी उन लोगों में समय लगेगा मिट्टी गिराने में, तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। और काफ़ी रात हो गई है, रात तो अभी नहीं हुई है, बज रहे हैं 6:05, पर इसी समय अंधेरा हो चुका है और इधर की एरिया वो बड़ा खतरनाक है। तो चारों तरफ पेड़ है, जंगल है, एकदम अंधेरा टाइप का हो, जैसे एक तरफ से डरावना है कि जैसे डरावना। ये देखिए ये पुल कितना खतरनाक है, सिंगल पुल है, चारों तरफ जंगल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किसी को मार के नीचे लेगा साला। अजीब तरह का है। सो गाइस जो है कि मस्त अपना अभी जो है खाना पीना हो चुका है और घर पे आ चुके हैं, खाना पीना मस्त हो चुका है। अभी चलते हैं सोने के लिए क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा काम करते करते पूरे शरीर थक चुका है और काम इस समय ज़्यादा पड़ जाता है। धान का कटिंग कराना, उसके बाद अभी एक दो खेत कटा, अभी एक दो बचा भी है तो कटिंग कराना, लाना इधर उधर, फिर मशीन पे का भी काम देखना, इधर उधर का ज़्यादा काम हो जाता है इस कारण। तो बहुत ज़्यादा काम होने के कारण क्या बताएं, शरीर पूरा थक जाता है और उसके बाद जो है कि समय भी नहीं मिलता एक वीडियो बना पाए उस काम के बीच में। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।